बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन। डियर लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द टेक्स्ट ऑफ ब्रेकफास्ट। दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय जॉन स्टीनबेक। एंड बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द टेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट यू टू हैव अ लुक ऑन टू द न्यू वर्ड्स दैट वी मे कम अक्रॉस ड्यूरिंग द स्टोरी, because I am not going to translate the full story word by word. That's why I would suggest you to have a close look onto the words, so that when I am not translating them, you might have got the idea before translation, without translation rather. So the new words are lavender, this is a color, bluish purple, scuffled, moving in hurried manner, seep out, pass slowly from small opening, spurt up, issue suddenly in a stream, stubby, short and thick, crooked, bent, poking, thrusting, flicked, sudden quick movement, dungarees, a garment with trouser and bib for work, stubble, short stiff hair, usually on the chin or men, stubble. Rhymes, covered with frost, averted, turned away, creaked, stiffened, squat, sit, जिसको हम उर्दू में कहते हैं चौकड़ी लगा के बैठना, that is squatting. Scald, injure with very hot liquid, for example hot tea can scald your throat. Fine. So this is the time to read the text now. This is breakfast and well, this thing fills me with pleasure. मुझे बहुत खुशी हो जाती है. I don't know why, क्यों मैं इस चीज़ को सोच के खुश हो जाता हूँ. I can see it in the smallest detail. जो भी चीज़ मुझे याद है, द नैरेटर सेज, जो भी चीज़ मुझे याद आ रही है वो जब मैं डिटेल में सोचता हूँ तो वो मुझे क्लोजली एवरी डिटेल्स के साथ मुझे वो याद आ जाती है. आई फाइंड माई सेल्फ रिकॉलिंग इट अगैन एंड अगैन ईच टाइम, ब्रिंगिंग मोर डिटेल आउट ऑफ अ संकन मेमोरी, भूली हुई यादों में से वो नई मेमोरी मेरे अंदर से फ्रेश मेमोरी निकलती है. रिमेम्बरिंग ब्रिंग्स द क्यूरियस वार्म प्लेयर, और बहुत वार्म प्लेयर आती है मुझे उस चीज़ को याद करते हुए. It was very early in the morning. The eastern mountains were blue-black, but behind them the light stood up faintly colored with the mountain rims with a washed red, growing colder, grayer and darker as it went up and overhead, until at a place near the west it was merged with pure night. This is a time of very early morning, and the poet has depicted a view in front of the eyes of the readers, so that we could imagine when, where the event is going to take place. Eastern mountain के ऊपर है और blue black color है sky का, और mountains जो हैं वो faintly colored हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे धुला हुआ red color हो. growing colder, ठंड हो रही है, grayer and darker as it went up, जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं तो ज़्यादा dark हो जाता है. Up and overhead, until at place near the west it was merged with pure night. ऐसे कलर चेंज होते होते एंड में नाइट नज़र आने लग जाती है, ऐसे लगता है कि अभी डार्कनेस है वहाँ पे. तो ये बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है. एंड इट वॉज कोल्ड, नॉट पेनफुली सो, बट कोल्ड इनफ सो दैट आई रब्ड माई हैंड्स एंड शोव्ड देम डीप इनटू माई पॉकेट्स. बहुत ठंड है, अपने पॉकेट में डाल लिए हैं हाथ. एंड आई hunched my shoulders up, अपने कंधों को ऊपर सुकेर लिया है. एंड scuffled my feet in the ground, और अपने पाँव को ग्राउंड के ऊपर बड़े हरेडली तेज़ी से मूव कर रहा हूँ ताकि मैं वार्म हो सकूँ. डाउन इन द वैली वेयर आई वॉज द अर्थ वॉज दैट लेवेंडर ग्रे ऑफ डॉन, लेवेंडर कलर की अर्थ है. आई वॉकड अलॉन्ग द कंट्री रोड एंड हेड ऑफ मी आई सॉ अ टेंट दैट वॉज ओनली अ लिटिल लाइटर ग्रे देन द ग्राउंड. ग्राउंड से हल्का सा हल्का रंग है उसका, टेंट का, जो टेंट राइटर को नज़र आ रहा है. बिसाइड द टेंट देर वॉज अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज फायर सीपिंग आउट ऑफ द क्रैक्स ऑफ एन ओल्ड रस्टी आयरन स्टोव, और टेंट के पास चूल्हा जल रहा है और उसकी आग जो है वो निकल रही है बाहर. ग्रे स्मोक स्पर्टेड अप एंड आउट ऑफ द स्टबी स्टोव पाइप, स्पर्टेड अप अ लॉन्ग वे बिफोर इट स्प्रेड आउट एंड डिस्पर्स्ड.
ग्रे स्मोक जो है वो वहाँ से निकल रहा है और डिस्पर्स होने से पहले वो बिल्कुल सीधा जाता है। आई सॉ अ यंग वुमन बिसाइड द स्टोव, रियली अ गर्ल, एक यंग वुमन को देखा जो लड़की सी है देखने में लग रही। शी वॉज ड्रेस्ड इन अ फेडेड कॉटन स्कर्ट एंड वेस्ट। एज आई केम क्लोज आई सॉ दैट शी कैरीड अ बेबी इन अ क्रुकिड आर्म एंड द बेबी वॉज नर्सिंग इट्स हेड अंडर हर वेस्ट आउट ऑफ द कोल्ड। बेबी है जो उसने उठाया हुआ है एंड द बेबी इज नर्सिंग। द मदर मूव्ड अबाउट पोकिंग द फायर, फायर में चीज़ें अंदर डाल रही है ताकि फायर तेज़ हो जाए। शिफ्टिंग द रस्टी लिड्स ऑफ द स्टोव टू मेक अ ग्रेटर ड्राफ्ट। ओपनिंग द ओवन डोर, ओवन डोर को खोल रही है। एंड ऑल द टाइम द बेबी वॉज नर्सिंग एंड द बेबी इज़ विद हर ऑल द टाइम एंड नर्सिंग। बट दैट डिंट इंटरफियर विद द मदर्स वर्क। लेकिन माँ जो है वो आराम से काम करती जा रही है। इट सीम्स दैट शी इज़ यूज टू इट, नॉट विद द ग्रेसफुलनेस ऑफ हर मूवमेंट्स। फाइन, इंटरफेयर विद द मदर्स वर्क नॉट विद द ग्रेसफुलनेस ऑफ आर मूवमेंट्स। अपनी उसकी ग्रेस भी इसमें कम नहीं हो रही है, वो आराम से स्मूथली मूव भी कर रही है, बेबी को भी उठाया हुआ है एंड शी इज़ हैंडलिंग हर वर्क एज वेल। देर वॉज समथिंग वेरी प्रिसाइज एंड प्रैक्टिस्ड अबाउट हर मूवमेंट्स। ऐसे लगता है कि वो आदी है ये सब करने की। द ऑरेंज फायर फ्लिक्ड आउट ऑफ द क्रैक्स इन द स्टोव एंड थ्रू डांसिंग रिफ्लेक्शंस ऑन द टेंट। आग जल रही है। आई वॉज क्लोज नाउ एंड आई कुड स्मेल फ्राइंग बेकन एंड बेकिंग ब्रेड। स्मेल आ रही है खाने की। द वार्मेस्ट प्लेजेंटेस्ट ओडोर आई नो। बहुत खूबसूरत स्मेल है, बहुत प्लेजेंट स्मेल है रादर। खूबसूरत तो देखने में खूबसूरत हो सकता है ना। फ्रॉम द ईस्ट द लाइट ग्रू स्विफ्टली। लाइट तेज़ी से बढ़ रही है। आई केम नियर द स्टोव एंड स्ट्रेच्ड माई हैंड्स आउट टू इट। अब मैं स्टोव के पास पहुँच गया और अपने हाथ वहाँ पर एक्सटेंड करके उसके ऊपर किए। एंड शिवर्ड ऑल ओवर व्हेन द वार्म्थ स्ट्रक मी। और जब मुझे हीट मिली तो मैं शिवरिंग ज़्यादा मेरी तेज़ हो गई। देन द टेंट फ्लैप जर्क्ड अप एंड अ यंग मैन केम आउट एंड एन ओल्डर मैन फॉलोड हिम। दो लोग वहाँ से निकले टेंट में से जब टेंट का दरवाज़ा खुला। दे वर ड्रेस्ड इन न्यू ब्लू डंगरीज एंड इन न्यू डंगरीज कोर्स विद द ब्रास बटन्स शाइनिंग। उन्होंने बिल्कुल नए ड्रेसेस पहने हुए थे जो काम के लिए उन्होंने रखे थे। डंगरीज जो थी वो उन्होंने बिल्कुल न्यू थे और ब्रास बटन जो है वो चमक रहे थे। दे वर शार्प फेस्ड मैन एंड दे लुक्ड मच अलाइक। चेहरे से तीखे चेहरे थे उनके और वो एक दूसरे ऐसे लग रहे थे कि वो एक जैसे हैं। तो होपफुली वो शायद बाप और बेटा थे। द यंगर हैड अ डार्क स्टबल बियर्ड एंड द ओल्डर हैड अ ग्रे स्टबल बियर्ड। बोथ वर हैविंग स्टबल बियर्ड और दोनों की एक ही डार्क है और एक की ग्रे है। देयर हेड्स एंड फेसेस वर वेट, देयर हेयर ड्रिप्ड विद वाटर एंड वाटर स्टूड ऑन देयर स्टिफ बियर्ड्स एंड देयर चीक्स शोन विद वाटर। वो मुँह धो के आए थे तो उनका मुँह जो है वो चमक रहा था, पानी के कतरे उसके ऊपर चमक रहे थे। टुगेदर दे स्टूड लुकिंग क्वाइटली एट द लाइटनिंग ईस्ट। ईस्ट की तरफ वो देख रहे थे जहाँ पर कलर हल्का हो रहा था। दे यॉन्ड टुगेदर, इकट्ठे उन्होंने जमाई ली एंड लुकड एट द लाइट ऑन द फिल राइम्स और फ्रोस्ट से भरी हुई जगह जो थी वहाँ पर उन्होंने उस लाइट को उन्होंने देखा। दे टर्नड एंड सॉ मी, फिर वो मुड़े और उन्होंने मुझे देखा। मॉर्निंग सेड द ओल्ड मैन, उसने उसको मॉर्निंग विश की। हिज फेस वॉज नीदर फ्रेंडली नॉर अनफ्रेंडली, तो कोई तासुरात नहीं था उसके चेहरे पर। मॉर्निंग सर आई सेड, मॉर्निंग सेड द यंग मैन। द वाटर वॉज स्लोली ड्राइंग ऑन देयर फेसिस। दे केम टू द स्टोव एंड वॉर्म्ड देयर हैंड्स एट इट। द गर्ल केप्ट टू हर वर्क, लड़की जो थी वो काम करती जा रही थी। हर फेस अवर्टेड एंड हर आइज ऑन वॉट शी वॉज डूइंग, उसका चेहरा किसी और तरफ था और आँखें उस काम की तरफ थी जो वो कर रही थी। हर हेयर वॉज टाइड बैक आउट ऑफ हर आइज विद अ स्ट्रिंग एंड इट हंग डाउन हर बैक एंड स्वेड एज शी वॉक्ड। उसके बाल जो थे वो बंधे हुए थे और वो हिलते थे जब वो काम करती थी। शी सेट टिन पैक कप्स ऑन द बिग पैकिंग बॉक्स, सेट टिन प्लेट्स एंड नाइव्स एंड फॉक्स आउट टू। उसने कुछ खाने के बर्तन निकाले बाहर। देन शी स्कूप्ड फ्राइड बेकन आउट ऑफ द डीप ग्रीस एंड लेड इट ऑन द बिग टिन प्लेटर। टिन के प्लेटर के उसके ऊपर उसने बेकन के फ्राइड पीसेस जो थे वो ग्रीस में से निकाल के रख दिए। एंड द बेकन क्रिक्ड एंड रसल्स एज ग्रू क्रिस्प, जो क्रिस्पी हो रहा था इस वजह से वो थोड़ा हार्ड भी हो रहा था। शी ओपन्ड द रस्टी ओवन डोर एंड टुक आउट अ स्क्वेयर पैन फुल ऑफ हाई बेक बिस्किट्स। अंदर से उसने बिस्किट निकाले जो कि वो बना रही थी। व्हेन द स्मेल ऑफ दैट हॉट ब्रेड केम आउट,
और ब्रेड की जब स्मेल बाहर आ गई, बिस्किट्स मतलब पार्ट्स, वो अ सॉर्ट ऑफ ब्रेड ब्रेड टाइप जो बना रही थी, वो बोथ मैन इनहेल्ड डीपली, दोनों आदमियों ने बड़ा गहरा सांस लिया क्योंकि वो उनको भूख लगी थी और खाने की स्मेल थी बहुत प्लेजेंट थी। द एल्डर टर्न टू मी, बूढ़ा जो था एज में जो बड़ा था वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा, हैड योर ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लिया? वेन द स्मेल ऑफ दैट हॉट ब्रेड केम आउट बोथ, नो, वेल सिट डाउन विद अस देन, तो फिर आओ बैठो हमारे साथ। दैट वॉज द सिग्नल, वी वेंट टू द पैकिंग केस एंड स्क्वैटेड ऑन द ग्राउंड अबाउट इट। नो, वेल सिट डाउन विद अस देन, दैट वॉज द सिग्नल, वी वेंट टू द पैकिंग केस एंड स्क्वैटेड ऑन द ग्राउंड अबाउट इट। द यंग मैन आस्क्ड, पिकिंग कॉटन, क्या आप भी कॉटन पिक करने के लिए आए हो? नो, वी हैड 12 days वर्क सो फॉर, द यंग मैन सेड, उसने कहा हमने 12 दिन का काम कर लिया है अब तक। द गर्ल्स स्पोक फ्रॉम द स्टोव, दे इवन गॉट न्यू क्लॉथ्स, उसने कहा इन्होंने नए कपड़े भी ले लिए, लड़की ने खुशी से बताया। द टू मैन लुक्ड डाउन एट देयर न्यू डंगरीज एंड दे बोथ स्माइल्ड अ लिटिल, और उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। द गर्ल सेट आउट द प्लेटर ऑफ बेकन, द ब्राउन हाई बिस्किट्स, अ बाउल ऑफ बेकन ग्रेवी एंड पॉट और कॉफ़ी, एंड देन शी स्क्वॉटेड डाउन बाय द बॉक्स स्टोव, फिर वो भी बॉक्स के पास बैठ गई। द बेबी वॉज स्टिल नर्सिंग, इट्स हेड अप अंडर हर वेस्ट आउट ऑफ द कोल्ड, ठंड बहुत थी तो उसने अपना सर माँ के साथ अंदर घुसाया हुआ था उसकी वेस्ट में। आई कुड हियर द सकिंग नॉइजेज इट मेड, बच्चे के दूध पीने की आवाज़ भी आ रही थी। वी फील्ड आर प्लेट्स पोर्ड बेकन ग्रेवी ओवर आर बिस्किट्स एंड शुगर्ड आर कॉफ़ी। द ओल्डर मैन फील्ड हिज माउथ फुल, बहुत मुँह भर के ओल्डर मैन खा रहा था, एंड ही च्यूड एंड स्वॉलोड, और च्यू कर करके वो खा रहा था। देन ही सेड गॉड अलमाइटी इट्स गुड, एंड ही फील्ड हिज माउथ अगेन, फिर वो कहता था कि बहुत मज़े का खाना है, और दोबारा वो मुँह भर लेता था अपना। द यंग मैन सेड वी बीन ईटिंग गुड फॉर 12 days, और यंग मैन खुशी से बता रहा था कि हम 12 दिन से अच्छा खाना खा रहे हैं। We all ate quickly, frantically, and refilled our plates and quickly again and ate quickly again until we were full and warm. हम बार बार अपनी प्लेट भर लेते थे और मज़े से खाते थे, और हम हमारा बेली हमारा पेट भर गया और हम वार्म हो गए। The hot bitter coffee scalded our throats. हॉट कॉफ़ी थी जिससे हमारे गले ऐसे लगा जल गए। वी थ्रू द लास्ट लिटिल बिट विद द ग्राउंड्स इन इट, तो कॉफ़ी में जो एंड में थोड़ा सा बचा ग्राउंड्स उसको हमने गिरा दिया नीचे ऑन द अर्थ एंड रीफिल्ड आवर कप्स, और दोबारा फिर हमने अपने कप भर लिए। देर वॉज कलर इन द लाइट नाउ, अ रेडिश ग्लीम दैट मेड द एयर सीम कोल्डर, और ऐसे लग रहा था कि अब हवा में मज़ीद सर्दी बढ़ रही है। द टू मैन फेस्ड द ईस्ट एंड देयर फेसिस वर लाइटेड बाय द डॉन, जब वो ईस्ट की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे पे डॉन की रोशनी थी, सुबह सवेरे की जो रोशनी होती है वो उनके चेहरों पे पड़ रही थी। एंड आई लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट एंड सॉ द इमेज ऑफ द माउंटेन, मैंने भी ऊपर देखा और माउंटेन का इमेज देखा, एंड द लाइट कमिंग ओवर इट रिफ्लेक्टेड इन द ओल्डर मैन आइज़, और जो लाइट ऊपर से आ रही थी माउंटेन के ऊपर से, ऐसे लगा कि ओल्डर मैन की आइज़ से रिफ्लेक्ट हो रही है, आइज़ में रिफ्लेक्ट हो रही है। देन द टू मैन थ्रू द ग्राउंड्स फ्रॉम देयर कप्स इन द अर्थ एंड दे स्टूड अप टुगेदर, फिर उन्होंने जो कॉफ़ी का बचा हुआ पार्ट था वो नीचे गिराया और फिर वो खड़े हो गए। गॉट टू गेट गोइंग द ओल्ड मैन सेड, उसने कहा हमें अब जाना है। द यंगर मैन टर्न टू मी, यंगर मैन ने मेरी तरफ देखा, यू वॉन्ट टू पिक कॉटन, वी कुड मे बी गेट ऑन यू गेट यू ऑन, उसने कहा क्या आप भी कॉटन पिक करना चाहते हो तो हम आपको भी साथ ले चलते हैं। नो, आई गॉट टू गो अलॉन्ग, थैंक्स फॉर द ब्रेकफास्ट, उसने कहा शुक्रिया, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए आपका शुक्रिया लेकिन मुझे आगे जाना है। द ओल्डर मैन वेव्ड हिज हैंड इन अ नेगेटिव, ओके ग्लैड टू हैव यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। दे वॉकड अवे टुगेदर, द एयर वॉज ब्लेजिंग विद द लाइट एट द ईस्टर्न स्काईलाइन एंड आई वॉकड अवे डाउन द कंट्री रोड, और मैं चल पड़ा दो कंट्री रोड की तरफ, गाँव वाले एरिया की तरफ। दैट्स ऑल आई नो ऑफ कोर्स सम ऑफ द रीजन्स वाई इट वॉज प्लेजेंट, उसने कहा ऐसा ही हुआ, बस इतना सा हुआ वहाँ पे, और मुझे पता है कि बस कौन सी वो वजूहत थी जिसकी वजह से ये इतना प्लेजेंट मुझे लगा उनके साथ खाना खाना, उनको देखना, उनसे मिलना। बट देर वॉज सम एलिमेंट ऑफ ग्रेट ब्यूटी देयर दैट मेक्स द रश ऑफ वार्मथ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, लेकिन वहाँ पे इतनी खूबसूरती का एहसास था उस सुबह उन लोगों के साथ वक्त गुजारने में, कि जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ एक तरह की एक वार्मथ की फीलिंग है जो मुझे आ जाती है। So students, this was the text of the short story Breakfast, and it is very short but very simple, and we'll critically analyze the story in the next lecture inshallah, and wait for the next lecture
बट द क्वेश्चन फॉर टुडे इज दैट यू आर टू गिव इन द मीनिंग ऑफ लेवेंडर एंड द मीनिंग ऑफ स्कॉट. दीज टू मीनिंग्स अलॉन्ग विद योर रोल नंबर्स शुड बी इन द कमेंट्स व्हेन यू हैव रेड द टेक्स्ट एंड व्हेन यू हैव लिसन टू द टेक्स्ट. सो गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर.